स्मूथली करना पड़ेगा। अब ये देखिए स्मूथ हो चुका है, ये बिल्कुल हाथ से पकड़ना। हे गाइस नमस्कार, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारी सुबह के 10 बजे से और नैनीताल हल्द्वानी हाईवे से। तो मैं अभी हाईवे में हूँ और यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मुझे जाना है हल्द्वानी, तो अभी सवारी से जाएंगे हल्द्वानी। ये रहा हमारा शिव मंदिर जो शांतिपुरी गेट के पास पड़ता है, और ये है रोडवेज स्टॉप, गाड़ी का इंतजार है। तो गाइस जहाँ पर हल्द्वानी के लिए गाड़ी तो मिलेंगी नहीं, उस साइड में मिलेंगे, तो उस साइड पर जाना पड़ेगा। ये जाती है किचना को, रॉन्ग साइड पर खड़ा हूँ मैं, राइट साइड पर जाते हैं। तो आपको कराते हैं मंगलवार के दिन बजरंग बली के दर्शन। आज हमारे हनुमान जी का वार है, जय बजरंग बली की। तो गाइस आज मैजिक है, छोटा हाथी किसी से नहीं जाएंगे, आज जाएंगे हम रोडवेज से, इंटरसिटी या रोडवेज से जाएंगे। देखते हैं वो हमें कैसे और कैसी कंफर्टेबल सवारी है उसकी और कैसी सर्विस है वो देख चाहिए। हमें इंटरसिटी के अंदर अल्फा क्रॉस के हमने वहाँ देखे, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होने लगे, नहीं बारिश हो गई, बादल देखिए। गाड़ी इंटरसिटी में बैठेंगे क्योंकि गाड़ी का काम हुआ नहीं है आज, तो गाड़ी देख के आ गया, गाड़ी का काम पूरा नहीं हुआ है, तो हमें चलाऊँ उधर से बस में बैठ के घर इंटरसिटी के अंदर। हल्द्वानी से निकल रहे हैं हम रोडवेज से आगे, गाड़ी बनी कहीं भी चले जाओ लास्ट में काम करना ही पड़ता है। तो सुबह तो हल्द्वानी की सैर करी, गाड़ी वाड़ी देखी, अपनी गाड़ी बनी नहीं है अभी, कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा छोटा मोटा काम रह गया। अब जा रहा हूँ शॉप, थोड़ा सा आराम किया घर आने के बाद, 12 बजे लगभग लगभग 12:30 बजे घर पहुँचे। उसके बाद अभी हम खाना वाना खाने के बाद जो है अब दोबारा शॉप जा रहे हैं, शाम के टाइम, आज 3 बज चुका है। तो चलो दोस्तों शॉप पहुँचते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब नूडल करनी है पैक, बन रहा है पनीर रोल। तो गाइस देखो मेहनत करने के बाद क्या हाल हो जाता है, फेस में मेरा पसीना है, बॉडी में पसीना पसीना पसीना, क्योंकि हम जिस गाड़ी के अंदर हैं वहाँ तीन तीन भट्टियाँ जलती हैं। देखो तीन भट्टी हैं, 1, 2, 3, तो तीन भट्टी के बाद जब दो भट्टी एक साथ जलती है ना, समझ लो काम हो गया आपका, बहुत पूरा बहरा हुआ बस। तो पहले इसको साफ करते हैं, ये मेहनत का पसीना है दोस्तों, मेहनत। गाइस रात के बज चुके हैं 9:15 और हम जो है अपनी दुकान बढ़ाने के बाद घर के निकले हैं, घर के निकले थे और हमें ना गाड़ी में हवा भरनी थी, हवा क्योंकि इसका हवा का दबाव पिछले टायर में बहुत कम हो रहा था क्योंकि वजन ज़्यादा है इसलिए। तो अभी हम निकले हवा में और ये मशीन यहाँ भी ख़राब हो रही है, हवा वाली मशीन भी ख़राब है। तो अभी हमारा रॉकिंग हार्ड यहाँ पर रुका हुआ है, थोड़ी देर में एयर भरेंगे फिर चलेंगे आगे। वेलकम टू नेक्स्ट डे, कल उसी जगह से जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था वहीं से आप फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज फिर से हल्द्वानी जाना है मुझे,
और अभी मैं हूँ शांतिपुरी गेट में, गाड़ी ढूंढ रहा हूँ इंटरसिटी में, फिर आज सफ़र करेंगे। तो चलो फिलहाल इंटरसिटी का वेट कर रहे हैं। फिर से इंटरसिटी के अंदर लोगों के खचाखच भरे हुए हैं। पीछे आगे सब भरे हैं। कालू साई मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। ये रहा कालू साई मंदिर और सभी लोग यहाँ पर, आधी से ज़्यादा बस खाली हो चुकी है, ले जाएगी तिकोनिया तक। हम भी जाएंगे तिकोनिया हल्द्वानी मार्केट। तिकोनिया चौराहे पे पहुँच चुके हैं गाइस, और ये बस उतर गए इंटरसिटी बस से। और ये यहाँ से कैंटीन जाएगा, इसी रोड पर जाएंगे। हम आए थे गाड़ी लेने और हल्द्वानी में हो रही बारिश मस्त वाली, रूम 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 रूम। ये देखिए अभी गाड़ी में छोटे छोटे काम चल रहे हैं, जो छोटे मोटे। गाड़ी का देखो कितना बढ़िया हो गया, मस्त बन गई है गाड़ी। पता ही नहीं इसका एक्सीडेंट हुआ भी था नहीं हुआ था, देखो झम हो रही है। ये देखो वो जल रही बस, और कोई नहीं जल रही। तो गाइज मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, जिसमें हो गया लगभग सारा काम, और अभी एसी का काम चल रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रही वाइपर और एसी। तो गाइज मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी से घर, और गाड़ी में जो है बहुत ज्यादा छोटे छोटे काम बचे हैं अभी करने, फिर हम दोबारा जाएंगे वहां पे। और रोज अभी लगभग रोजाना जाना पड़ सकता है हमें, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे काम रह गए गाड़ी में। कभी कुछ एसी का प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी इंडिकेटर नहीं जल रहा है, कभी शीशे में स्क्रैच आ जा रहे हैं, कब बहुत ज़्यादा है, कभी बैक लाइट नहीं जल रही है, कभी फोकस लाइट नहीं जल रही है, फ्रंट लाइट नहीं जल रही है, कभी डोर में शीशा ऊपर नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि गाड़ी हमारी एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद जब उसमें पार्ट लगाए गए, तो टेक्नीशियन जो भी आता है वो एक बार में एक काम कर जाता है, दूसरा काम छोड़ देता है, तो दूसरा काम वो रह जाता है। फिर जब हम गाड़ी चेक करते हैं तब जाके वो याद आता कि यार ये काम नहीं हुआ है। बहुत कुछ काम है, अभी देखते हैं कितने दिनों में वो काम, 10 से 15 दिन लग जाएंगे अभी ऐसा बोलना है मैकेनिक का, लेकिन देखते हैं उसको जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस से बाहर, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा उमस हो गई है। तो फिलहाल के लिए दिन के बच चुके हैं 3 और हम चलते हैं शॉप के लिए। तो दोस्तों शॉप जाते हैं, फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आज पूरे दिन बने रहेंगे। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो गाइज मैं घर पहुँच चुका हूँ, और सामान गाड़ी से जो है अनलोड किया जा रहा है। गाड़ी खड़ी कर ली हमने, दुकान बढ़ाने के बाद जो है गाड़ी घर आ गई, और अब सामान अनलोड हो रहा है। लक्षित कर रहा है सामान अनलोड, लक्षित कर रहा है। तो सारे चीज़ें निकलनी शुरू हो गई हैं गाड़ी से, चटनी के जार, मोमोज के जार, सब रॉकिंग हार्ट। ऐसे खड़ी करी हमने गाड़ी अपनी, रोड छोड़ दी है लगभग 16 फीट के आसपास, जो गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकल जा रही हैं। अभी ये जो शटर है ये बंद कर देंगे तो और भी स्पेस बन जाएगा, और हमारे घर के पास जहाँ पर हमारी पुरानी दुकान थी वहीं पे गाड़ी खड़ी हो रही है रोज। तो अभी अनलोडिंग चल रही है मेटेरियल की, और अंधेरा है बैक साइड में हमारे पूरे। तो गाइस टाइम हो चुका है डिनर करने का, तो हमने गाड़ी अनलोड कर ली है, अब इसके बाद जो है अब डिनर करेंगे। आई होप आप सभी लोग डिनर कर चुके हैं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय।